बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक ऐसी आईसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन्वर्टर एसी पीसीबी के लगभग 95% बोर्डों में आईसी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो रिपेयर करने वाले भाई हैं उन लोगों को इस आईसी की अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। इस आईसी का नंबर होता है ULN2003 या आपको देखने को मिलेगी KID6500। तो दिखाते हैं ये आईसी कितने पिन की होती है, कहाँ लगी होती है, इसकी ऑन होने के लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, आउटपुट पिन कौन सी होती है, इनपुट पिन कौन सी होती है, क्या काम करती है बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड है आपके सामने जिस पे लिखा है KFR35WBP2। तो इसमें हम देखें तो ये आईसी लगी हुई है, तो इसमें आईसी लगी हुई है KID6500 AP। सामने इसका नंबर मैगमीट का बोर्ड आता है PCBF1 के नाम से। तो इसमें देखते हैं ये आईसी कहाँ लगी हुई है। इसके अंदर ये आईसी MCU के पास में लगी रहती है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये आईसी लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है ULN2003। ये आईसी बहुत ढेर सारे बोर्डों के अंदर देखने को मिलती है। ये बोर्ड हमारे पास सैमसंग का बोर्ड है और इसमें देखते हैं कि आईसी कहाँ लगी है। तो देखो ये आईसी दिख रही है यहाँ पर और इसका नंबर देखते हैं क्या नंबर है इस पर, KID6500 AP। बोर्ड हमने और लिया, कई कंपनी इस बोर्ड को यूज़ करती हैं और इसका नंबर होता है KFR51WBP2। कई कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। आप देखें इसके अंदर EIC लगी हुई है, इसका क्या नंबर है, इस पर लिखा है ULN2003। EIC क्या काम करती है, कैसे ऑन होती है, कितने बोल्ट पर काम करती है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो इन सारी बातों को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। यह MCU की इंस्ट्रक्शन पर EIC काम करती है। MCU इसे सिग्नल देगा तभी ग्राउंड आउट करेगा। MCU का एक समय होता है सिग्नल देने का, जैसे कि इस IC से अलग अलग तरह की काम में ली जाने वाली रिले कनेक्टेड रहती हैं। ये IC अमूमन रिले को ऑन करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। बाईपोलर लीनियर IC होती है और जो CPU के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करती है। IC स्विंग मोटर को चलाती है, बोर्ड के अंदर जो कंप्रेशर वाली रिले लगी होती है उस रिले को भी ऑन कराती है। इसके अलावा अन्य और भी रिले लगी होती हैं तो उन सब को ऑन कराने का ये IC काम करती है। तो अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सी पिन किस काम की है और ये सही है या ख़राब है, किस तरह पता लगाएं। तो आइए इस बात पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये IC दिखने में कुछ इस तरह की रहती है और ये 16 पिन यानी कि 16 पिन की IC होती है। तो किसी किसी बोर्ड के अंदर ये IC आपको 2001 के नाम से मिल सकती है, कहीं पर 2003 के नाम से, 2 के नाम से, ज़्यादातर ULN2003 के नाम से ये देखने को मिलती हैं। यह इन्वर्टर PCB में या नॉन इन्वर्टर PCB में ये IC बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसकी एक साइड की पिन इनपुट होती हैं, दूसरी साइड की पिन आउटपुट होती हैं। देखते हैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह से होता है। तो देखें इसमें ये सब जगह लिखा हुआ है इन, इसका मतलब है पिन नंबर 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7। पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 7 तक इसकी इनपुट पिन रहती हैं, यानी कि इन सारी पिन्स पर MCU की तरफ से सिग्नल आएगा या आ सकता है सिग्नल। इन नंबर पिन नंबर 6 पर 5 पर ये इनपुट पिन्स हैं, यहाँ पर किसी भी पिन पर CPU की तरफ से MCU की तरफ से सिग्नल आ सकता है। जब हम चेक करते हैं तो इस पिन पे या तो 3.3 वोल्ट मिलते हैं या फिर 5 वोल्ट मिलते हैं। इसमें अच्छी बात यह है जैसे कि पिन नंबर 2 पर MCU की तरफ से सिग्नल आया, क्या सिग्नल आया, 5 वोल्ट आया। इसकी जस्ट सामने वाली पिन नंबर बनती है 15, ये पिन आउटपुट पिन होगी। किसकी आउटपुट पिन होगी, पिन नंबर 2 पर जो इनपुट आया नंबर 15 से आउट होगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हैं तो 15 पर आपका 0 यानी कि ग्राउंड आउट होगा, ठीक है।
और ये चला जाएगा किसी रिले की तरफ। रिले पर पहले से 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की सप्लाई मौजूद रहती है और अब ग्राउंड पहुंच जाएगा तो इस तरह से रिले ऑन हो जाएगी। इस आईसी को ऑन होने के लिए पिन नंबर 8 पर ग्राउंड चाहिए, पिन नंबर 9 पर 12 वोल्ट, किसी किसी बोर्ड में ये 15 वोल्ट भी रहते हैं। कहाँ पर? पिन नंबर 9 पर। पिन नंबर 8 पर ग्राउंड रहता है, पिन नंबर 9 पर 15 वोल्ट या 12 वोल्ट रहते हैं। वैसे ही आईसी 24 वोल्ट तक पर ऑपरेट हो सकती है। पिन नंबर 1 से लेकर 7 तक की जो पिन्स हैं, ये सारी पिन्स जो हैं इनमें से कोई दो पिन तीन पिन एमसीयू से कनेक्टेड हो सकती हैं और जस्ट सामने वाली पिन इसकी आउटपुट पिन रहेगी जो किसी रिले पर जा सकती है, चाहे वो कंप्रेशर को ऑन करने वाली रिले हो, चाहे स्विंग मोटर को चलाने वाली रिले हो या एसी फैन को चलाने वाली रिले हो, इन सब का सिग्नल यहाँ से आउट होता है। इसको यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एमसीयू डायरेक्ट किसी फ़ैन मोटर को नहीं चला सकता क्योंकि उसके पास उसके सिग्नल में इतना एम्पियर नहीं होता। इस लीनियर और बाईपोलर आईसी का इस्तेमाल करके सिग्नल रिले को दिया जाता है ताकि रिले ऑन हो सके, उसको ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत होती है। तो ये बाईपोलर आईसी का इस्तेमाल यूँ किया जाता है, अगर किसी बोर्ड के अंदर पिन नंबर 2 पर मान लीजिए कि 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट एमसीयू की तरफ से आ रहे हैं लेकिन इसके जस्ट सामने वाली पिन 15 पर ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है, आपको ये बदलनी पड़ेगी, ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी और चेंज करने पर वो फॉल्ट दूर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।